गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं के साथ हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है क्या? आज क्या है? आज है वेडनेसडे। और आप सब सोच रहे हैं मैडम स्कूल क्यों नहीं गई। मैं स्कूल इसलिए नहीं गई कि मेरी मम्मा पापा जो हैं वो हैदराबाद गए हैं और मैं और मेरा प्यारा सा भैया घर पर हैं। सही है, किसी की डेथ हो गई थी उनके, इसलिए मम्मा पापा को हैदराबाद जाना पड़ा। तो अब हमने नाश्ता कर लिया, ये गम की बात है। अब हमें नाश्ता कर लिया। बोला नाश्ता मैंने बना के दिया था ना आपको? हाँ। तेज बोलो। हाँ, नाश्ता मैंने बनाया था इनके लिए। इतना प्यारा पराठा बनाया था मैंने, अल्लाह का वादा, इतना चकोर चकोर बिल्कुल परफेक्ट पराठा था वो। तो अब जो है बोला मम्मा ना कह के गई थी कि चावल बना लेना है, मैकरोनी वगैरह बनाना है, तो मैं तो चाह रहा है कि मैं वेजिटेबल वाले ना राइस बनाऊँ। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ हेल्पर का कि वो आए सफाई करे। तो वो मेरे पास होगी तो गुलाम अंदर आ जाएगा, सामान लेकर आएगा, गाजर वगैरह, शिमला मिर्च, जो जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब, चावल वगैरह लेकर आएगा, दही वगैरह। फिर जो है मैं मज़ेदार से चावल बनाऊंगी अपने भाई के लिए और अपने लिए। फिर हम इसे लपड़ तपड़ करके खाएंगे, मज़ा आएगा। और क्या बोलते हैं, क्या देख रहे हो? टिड्डा टिड्डे देख सकते हैं आप लोग, इतने सारे हो चुके, 1 2 3 4 5 6 उफ, इतने तो लोग बातों की बरसात भी नहीं करते, आप पे तंजों की भी नहीं करते, जितने टिड्डे इस वक्त इस शहर पर बरसात कर रहे हैं। गाइस देखिए आप लोग कितने टिड्डे टिड्डे टिड्डे। कोई बात नहीं, आने की चीज़ें आ सकती हैं। और अब मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वो आ जाए सफाई करे। धूम तो गया, तो मैं सब साफ़ कर लिया, फर्नीचर भी साफ़ कर लिया मैंने, बर्तन वगैरह सब धो धुआ दिए। अब जो है वो देखो सब साफ है। ये दूध का बर्तन रखा है इसको दूंगी क्योंकि दूध वाले अंकल आएंगे अभी दूध खत्म। ये चाय रखी हुई है और सिर्फ ये है। अब ये तो बराबर, अब मैं इस पूरे किचन को साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से, फिर अपने ब्लॉग को जो है ना वो कंटिन्यू करूँगी। सामान जो है वो रेडी कर दिया, चावल भी हो गए, गोभी काट ली, गाजर शिमला मिर्च काट ली, मसाला पीस लिया और यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया। तो मिट्टी थोड़ा टेढ़ा रखा है। ये रख दिया है मैंने। अब पहले मैं ये बनाऊँगी, फिर दही मंगाया है, फिर रायता, दूध वाला दूध दे के चला गया, दूध गर्म करने के लिए रख दिया मैंने। और चावल हमारे एकदम से रेडी है, बस इसे दम पर लगाना है का थोड़ा पानी सूख जाए, खुश्क हो जाए, फिर हम इसे दम पर लगाएंगे। देखो इतने मज़े के राइस तैयार हैं और सीरियसली बहुत मज़े के बने। इसमें मैंने डाली थी शिमला मिर्च, गोभी, बंद गोभी जो होती है वो, और गाजर वगैरह, ये सब डालकर मैंने बनाया। मैंने काफ़ी देर से दिल चाह रहा था खाने का, तो आज मुझे खुद बनाने का मौका मिल गया और सीरियसली बहुत मज़े के बने। इसकी खुशबू इतने मज़े की आ रही है। अब गुलाम दही लेके आ जाए, फिर रायता बनाऊंगी,
फिर जो है वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मज़े से खाएंगे। सही है। अब रायते का मसाला तैयार करूँगी। हमारा वो वाला ख़राब हो गया तो मैं जूसर में बनाती हूँ, और जूसर में मुझे ना वो वाले छत्ती कुटी भी जो बनाते हैं ना उसमें ईमानदस्ते में छूट के, वो मुझे इतनी खास नहीं थी, इतनी मुझे ग्रैंड देवी दही के अंदर अच्छी लगती है, उसका एक अलग टेस्ट होता है ना, और चावलों के साथ तो भैया ही अच्छी लगती है। मैं भी आजकल यही बनाती हूँ चावलों के साथ, और कुछ दूसरे पीस में वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आती। मम्मा ये ब्लॉग देगी ना आपस के पागल हो जाएगी। लिटरली मैंने कभी इस तरह से काम उसके किचन में किया नहीं, खासतौर पर चावल बनाए। मेरे घर वाले सोचते हैं हमारी बेटी बड़ी हो गई तो वही काम करने वाली हो गई, लेकिन मैं दिल्ली लगा रही हूँ गई थी ना। आई एम गेटिंग सो अपसेट एंड सैड। भाई है मगर मेरे ज़्यादा, वो तो काम नहीं करता है, मम्मा होती है। आज मुझे पता लगा सुबह मैं काम करूँगा कि मम्मा किस तरह हमारे आने से पहले सारा कुछ, मैंने सारी मम्माएँ बच्चों के आने से पहले, मैं ये निकली मेरी मम्मा, सारे बच्चों की माएँ जो हैं वो उनके आने से पहले घर को कैसे मैनेज कर लेती हैं। मम्मा उनका सिस्टम जो मतलब जॉब वाली होती है वो तो मुझे तो और डिफिकल्ट हो जाता है सब करना।